सो भाई व्हाट्स अप दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा AMD Ryzen 5 का गेमिंग टेस्ट। और दोस्तों अगर आप लोग भी इस टाइम में विदाउट ग्राफिक कार्ड के साथ में पीसी बिल्ड करना चाहते हो, तो मैंने जो जो कंपोनेंट इस पीसी के अंदर में यूज किया है, आप लोग इस सारा कंपोनेंट के साथ में जा सकते हो, बहुत अच्छा गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। ओवरऑल इसके अंदर में अगर आप लोग फ्यूचर में चाहते हो ग्राफिक कार्ड भी ऐड कर सकते हो। अगर अभी आपका बजट है लो, मतलब प्राइस नहीं है इतना ग्राफिक कार्ड बाय करने का, तो आप लोग इस ग्राफिक कार्ड के साथ में भी फ्यूचर में जा सकते हो, RX 6600 या फिर 3060 के साथ में भी जा सकते हो। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ अगर आप लोग पीसी बिल्ड कर रहे हो तो फ्यूचर प्रूफ पीसी बिल्ड करना, जैसे मैंने इस पीसी को बिल्ड किया है। इसके अंदर में आप लोग को जियो जो कंपनी यूज किया है इस वीडियो के अंदर में दिखाऊंगा, और मेनली इस वीडियो के अंदर में फ्री फायर का भी गेमिंग टेस्ट करके दिखाऊंगा। फ्री फायर का गेमिंग तो बहुत अच्छा होता है, और दोस्तों जो गेमिंग होता है पीसी का गेम, हर एक गेम 1080p के साथ में चल जाता है, GTA 5, वैलोरेंट, CS:GO, हर एक गेम चल जाता है। तो ओवरऑल जो पीसी का बारे में जो नॉलेज था उतना तो हम सभी को शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को पहले स्टार्ट करते, दिखाता हूं पीसी का लुक ओवरऑल कैसा आया है। तो इधर आप लोग देख सकते हो रैम लगा है मैंने 16GB का, 8GB का दो सिंगल स्टिक रैम, 32000 MHz पे बूस्ट क्लॉक है, और ये जो मदरबोर्ड है गीगावाइट का B450 ऑरा सिलेक्ट मदरबोर्ड है, और जो RGB कैबिनेट है ये एंटी स्पोर्ट्स का 311MT आता है, जो बहुत ही अच्छा कैबिनेट है। अगर आप लोग चाहते हो बहुत अच्छा डिसेंट गेमिंग पीसी बिल्ड करना, तो ये पीसी वाइज काफी अच्छा देखने को लगता है। और जो मोनिटर अपने यूज किया है LG का अल्ट्रा गेट 24GL600F, और जो माउस कीबोर्ड यूज किया है हमने, इस कीबोर्ड का नाम है कॉस्मिक बाइट CBGK16, और जो माउस यूज किया है फ्रंटेक के तरफ से, इधर कुछ लिखा हुआ है फ्रंटेक MS0028। तो ये था सेटअप। और जो इसके अंदर में SSD यूज किया है 240GB का क्रूशियल का तरफ से आने वाला SSD, और इसके अंदर में चाहो तो आप लोग बाद में और भी ज्यादा पावरफुल SSD लगा सकते हो, क्योंकि इधर एक स्लॉट देखने को मिलता है। और जो और कुछ है रेम प्रोसेसर है 5600G, और जो RGB के मतलब फैन आता है ये बाहर से बाद में इंस्टॉल किया है हर एक फैन को। और दोस्तों गेम की बात करें तो इस पीसी के अंदर में मैं देख लो इधर क्या क्या गेम खेलता हूँ, फ्री फायर खेलता हूँ, वैलोरेंट खेलता हूँ, बैटल ग्राउंड खेलता हूँ, और जो मेन आता है GTA 5 जो अपना डाउनलोड हो रहा है एपिक गेम से, तो मैंने एपिक गेम से जो GTA 5 इसको डाउनलोड करता हूँ। और GTA 5 फ्री में नहीं मिलता है दोस्तों, बहुत लोग पूछते हो ना भाई GTA 5 कहाँ से कैसे बाय करे, तो GTA 5 को परचेस करना पड़ता है। मैं दिखाता हूँ GTA 5 कैसा हो रहा है, इधर आप लोग देख लो लाइब्रेरी के अंदर में वैलोरेंट अपना डाउनलोड हो चुका है, लॉन्च कर सकते हो अभी, ये देख लो GTA 5, इसको मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, बहुत 100GB का करीब में ये गेम है, तो 50% हुआ है, तो इसके लिए वेटिंग करना पड़ेगा। अगर आप लोग GTA 5 का भी गेम प्ले देखना चाहते हो कमेंट में बोलना, दिखाऊंगा। तो फिलहाल मैं फ्री फायर का गेम प्ले करता हूँ। और अगर आप लोग पीसी में ब्लू स्टैक यूज करते हो ना, तो आप लोग इसके अंदर में BGMI भी खेल सकते हो, ब्लू स्टैक के अंदर में हर एक कुछ देखने को मिलता है, और ये इसको हाइट में करता हूँ, और इधर कितना FPS आता है ये भी देखने को मिलेगा आप लोगों को। फिलहाल दोस्तों मैं फोन को थोड़ा माउंट करता हूँ।